नमस्कार नाइन टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम बारह राशियों का 2020 में साल बदलते ही ग्रहों की चाल बदलना भी लाजमी हो जाता है ग्रहों में बदलाव होगा तो हमारी जिंदगी में भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे आखिर इस नए साल में बारह राशियों के लिए नया क्या कुछ होने वाला है यही सब जानने और आपको बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान पंडित सुनील भारद्वाज जी मौजूद है सबसे पहले आचार्य आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं नमस्कार तो 2020 आपके लिए कैसा रहने वाला है और खास करके आपकी राशिया क्या कुछ मैसेज देती है और क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे आप करेंगे ताकि आपका जो 2020 है वो अच्छा होगा इस पे ही चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले आचार्य जी आपसे दो जानेंगे 2020 में क्या होगी ग्रहों की चाल और क्या कुछ अच्छा होने वाला है दो में देखिए दो की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि दो प्रारंभ कैसे हुआ अब 2020 प्रारंभ होता है हमारा कन्या लगन से अब कन्या लगन से प्रारंभ होता है 2020 और 2020 में पांच ग्रह योग मिल रहे हैं हमें चतुर्थ भाव में कन्या लगन चतुर्थ भाव में पंच ग्रह योग ये कम से कम एक बात तो स्पष्ट कर रहा है कि उथल पुथल रहने वाली है कुल मिलाकर मिला, मिला जुला असर रहने वाला है और सभी राशियों पे एक तरह से 2020 है ना ये जी। तो ये समझ लीजिए ट्वेंटी ट्वेंटी रहेगा बहुत जल्दी जल्दी चीजें बदलाव होती नजर आएंगी और बहुत जल्दी जल्दी देश में भी देखेंगे सभी राशियों पर सभी वर्गों के लोगों पर एक तरह से अलग अलग क्षेत्रों में भी अभी कुछ कल कुछ विचारों में परिवर्तन और कहीं ना कहीं देखेंगे तो हम बदलाव जल्दी तो तो आप बदल और आपकी राशि क्या कुछ कहती है उस पर आज हम चर्चा करेंगे पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से जानना चाहेंगे की मेष राशि के जो भी जातक या जातिकाएं हैं उनका दो कैसा रहने वाला है बिल्कुल देखिए मेष राशि की बात करते हो तो मेष राशि वालों के लिए एक बात स्पष्ट है स्वास्थ्य में उनके लाभ होता नजर आएगा थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा स्वास्थ्य में ध्यान देने की आवश्यकता आप है आपको क्योंकि राशि स्वामी मंगल की स्थिति थोड़ी सी आपकी तृतीय भाव में देखेगी यहाँ से अच्छा प्रेम के लिए थोड़ी सी कठिनाइयाँ भी आपको आ सकती हैं थोड़ा भाई प्रेम आप करने वाले हो तो थोड़ा कठिनाई होगी मगर अंततः आपके परिणाम अच्छे ही आपको साबित होते नजर आएंगे कुल मिलाकर देखें तो आपके पास ये ट्वेंटी ट्वेंटी जो है ना अच्छा अच्छा स्पोर्ट्स का मजा है बहुत अच्छा है आपके लिए आप इसमें लुफ्त उठा सकते हैं अपने प्रेम संबंधों को उजागर कर सकते हैं मगर थोड़े एफर्ट्स करेंगे तो आपकी राशि बलवान होगी मंगलवार का चोला प्रदान करना ना भूलें नौ मंगलवार तक लगातार चोला दें इससे राशि बलवान जी बिल्कुल इसी के साथ आचार्य जी वृषभ राशि के जातक और जातिकाओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं बिल्कुल वृषभ राशि वालों के लिए बिना देर लगाए बता रहते हैं भाई छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा विशेष रूप से सफलता मिलने के योग नजर आते हैं क्योंकि राशि स्वामी शुक्र की स्थिति मकर में अवश्य घूम भ्रमण कर रही है एक और चीज़ है अपने क्षेत्र में थोड़ा सा बदलाव की स्थिति आपको करनी होगी थोड़ा सा आपको बदल के चलना होगा थोड़े से अपने कामों में विलम्ब नहीं करना होगा थोड़ा सा अपने एफर्ट्स और लगाने होंगे तो उससे आपकी स्थिति अच्छी होगी चावल चीनी का दान दीजिए चावल चीनी का दान आपकी राशि को और बलवान बनाएगा जी बिल्कुल आप उपाय भी लगातार राशि के साथ साथ बता रहे तो उपाय बताने जी से। बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसने सही मुहूर्त में भी करना जरूरी होता है तो क्या राशियों का प्रभाव इन पे भी पड़ता है क्या बिल्कुल पड़ता है क्योंकि अगर आपकी राशि कहीं देखते हैं वर्ष कुंडली में क्योंकि हम वर्ष कुंडली के हिसाब से अगर देखते हैं कहीं पे कमजोर है तो थोड़ा सा दान देने से लाभ मिलता है धान उपलब्ध शांति जी बिल्कुल इसी के साथ आपसे ये भी जान लेते हैं की मिथुन राशि का दो कैसा रहे बिल्कुल मिथुन राशि की बात करते हैं देखिए राहु की स्थिति रहने से क्या होगा स्वास्थ्य पे खर्चा ज़्यादा होगा स्वास्थ्य पे आपका बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है उस पर प्रभाव पड़ेगा आपके जो एक्सपेंडिचर है ना वो डिसबैलेंस हो सकते हैं थोड़ा आपने अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो वो बेहतर है आपके लिए सेहत को थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है मगर खर्चे बचा के रखने होंगे आपके नहीं तो आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ सकती है तो उससे अच्छा बीमारी ना हो ना प्रिवेंशन बेटर है क्योर करने से तो बेटर है तो ये आपको देखना होगा कि अपने खान पीन में संभल के रहें वही एक और अच्छा उपाय आपको बताते हैं भाई सत्रह रुपए की हरी सब्जी तेईस बुधवार तक दान दे दो सबसे आसान उपाय आपके लिए कठिन परिश्रम भी आपको नहीं करना पड़ेगा और आपकी झटपट काया भी निरोगी रहेगी जी बिल्कुल तो आपसे हम लगातार राशियों के बारे में चर्चा करेंगे पर सिर्फ 2020 में ग्रहों की चाल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे तो ग्रहों की स्थिति क्या कुछ कहती है 2020 में देखिए 2020 में एक बात तो स्पष्ट है पंचग्रही योग पंचग्रही योग में ऐसा जब देखने को मिलता है चार या चार से ज्यादा या पांच या पांच से ज्यादा जब भी कभी ग्रह हमारे गोचर में आते हैं तो उस समय मिला असर रहता है जो भी होगी काम वो एक्सट्रीम में होगा या तो कहीं आप देखेंगे बाढ़ आएगी तो बहुत ज्यादा आएगी कहीं ठंड होगी तो बहुत ज्यादा होगी वो आपने साल साल के प्रारंभ में ही देख लिया ठंड है तो बहुत गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा होगी एक्सट्रीम में देखने को मिलेगा क्योंकि सब ग्रह यहाँ सूर्य के साथ चले गए और सभी ग्रहों का जो प्रभाव है वो तो अस्त हो गया सूर्य के साथ पंच ग्रह जो योग बना भाई यहाँ पर बुद्ध भी हैं सूर्य के साथ गुरु भी हैं शनि भी हैं और केतु भी है ये युक्ति है बुद्ध आदित्य योग भी है मगर सूर्य ने सबको अस्त कर दिया अब अस्त करने से उनका प्रभावहीन हो गए वो

थोड़ा सा अपने स्वरूप चलना होगा यानी कि एक चीज़ मिलाकर चलनी होगी अपनी पहचान बनानी होगी आपने अपने आप को थोड़ा सा आशावादी होकर चलना ये काम मैं कर सकता हूँ एफर्ट्स मार के करना होगा आपने अपने आप को डिमोरलाइज नहीं होना तो उससे आपका जीवन भी सफल होगा और ये जो आपका समय है बहुत अच्छा बीतरेगा देखिए एक और चीज़ इसमें स्पष्ट इस नज़र आती है कि दाम्पत्य जीवन का अगर देखें तो उनमें आपके संबंध जो है थोड़े से मधुर रहने वाले हैं मगर भागदौड़ आपके पास रहेगी थोड़ी सी आपको एफर्ट्स करते रहने पड़ेंगे जीवन आपका फिर भी मिला के कुल मिला के देखें सफल है चंद्रमा के हिसाब से पंचमेवा की खीर चंद्रमाली आशुतोष भगवान शिव पर अवश्य चढ़ाइए इससे आपकी राशि होगी बलवान जी बिल्कुल तो आपसे एक सवाल भी पूछना चाहूंगी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि भाई 2020 में उनकी शादी हो जाए तो यदि शादी के बारे में आपसे चर्चा करें तो 2020 शादी संबंधित जो भी लोग हैं जो भी परेशान हो रहे हैं लगातार उनके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों दो हजार बीस में यूँ तो हर वर्ष शादी होती है। अगर हम बात करें जो लोग इस इस राशि राशि से है जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है छोटे से उपाय करने से क्योंकि यहाँ पर आपको बृहस्पति अपने घर का मिल रहा है जी मंगल अपने घर का मिल रहा है बृहस्पति और, तो और मंगल जब आपको अपने घर का मिले तो समझ लीजिए आपकी स्थिति बहुत अनुकूल है ये एक स्थिति है बृहस्पति और मंगल जब आपको अपने घर का मिलेगा तो समझ लीजिए आपकी राशि होगी बलवान आप उस समय आपके बहुत सारे काम पूर्ण होंगे तो इसी के साथ चर्चा कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में भी कि उनका 2020 कैसा रहने वाला है बात कर लेते हैं सिंह राशि की सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य तो उत्तम है इसका आप आनंद उठा पाएंगे भरपूर आनंद उठा पाएंगे लाइफ लाइन आपकी बहुत अच्छी है थोड़ा सा आपके लाइफ पार्टनर में भी थोड़ा सा यहाँ पर जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि आपके विवाह के अगर कहीं प्रस्ताव नहीं हुआ वाली या की तलाश आपको है तो वह आपकी पूरी होती नजर आएगी कारोबार में भी स्थिति आपकी बेहतर होगी कहीं ना कहीं आपके पास जो रुका हुआ धन है वो भी मिलेगा उपाय आप बड़ा सरल कीजिए सूर्यनारायण को तांबे की गर्वी से अर्क दीजिए अक्षत या रूली डालकर थोड़ा मधु भी डाल सकते हैं इससे आपकी राशि बलवान है जी बिल्कुल इसी के साथ ये भी जान लेते हैं आपसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं बहुत ज्यादा परेशान है उनके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे देखिए अगर कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है है तो तो 2020 में एक बात तो स्पष्ट आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हाथ लग सकती है कहते हैं चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा हो और कीले पार्टी जो सटे तो बाल ना बाका हो तो कील है परमात्मा ईश्वर ईष्ट उसके साथ जाकर सट जाओ एक माला अवश्य रुद्राक्ष की इस साल

यहाँ पे लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी है इसमें भी थोड़ा सा अच्छा मिलने वाला है शादीशुदा लोगों के लिए भी उपलब्धियाँ रहने वाली हैं संतान के लिए अच्छा समय गुजरने वाला है कुल मिलाकर देखें कन्या राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है उपाय हम बड़ा सरल बता देते हैं ताकि आपकी जो राशि है राशि स्वामी बुद्ध हैं ये बलवान आपको बना सकते हैं भाई अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में दान दे दो या साबुत मूंग पाँच किलो सवा सवा किलो करके दे दो दान चार बार या एक, खट्टी एक बार पाँच किलो ले जाकर दान दे दो तो देखो आपके जो काम रुक भी रहे थे ना झटपट पूरे जी बिल्कुल तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपके जो रुके कार्य हैं वो पूरे हो जाए पर दर्शकों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संतान की प्राप्ति को लेकर आचार्य जी बहुत ज्यादा निराश रहते हैं या क्या कह सकते हैं उनको संतान सुख नहीं मिल पा रहा तो क्या कुछ वो ऐसे उपाय करें जिससे 2020 में उन्हें संतान का सुख मिल जाए देखिए एक चीज स्पष्ट है सूर्य नारायण की आराधना करना सभी ग्रह अस्त हैं अगर आप सूर्य नारायण की उपासना करते हैं सूर्य नारायण को जल देते हैं हृदय दिशते स्त्रोत्र का उच्चारण करते हैं खुद पढ़ते हैं या संतान गोपाल यज्ञ कराते हैं इस साल आप अग्नि का वास देख घर में हवन करते हैं अग्नि का वास अगर आकाश पे या पृथ्वी पर है तब हवन ना करें क्योंकि उससे फिर संतान उत्पत्ति में बाधा होती है तो इस बात का ध्यान रखें जो भी यज्ञ पूजा अनुष्ठान करते हैं शुभ मुहूर्त में करें शुभ दिशाओं में करें अच्छी घड़ी पल पे करें तो आपके लिए हितकारी रहेगा और संतान प्राप्ति का योग भी चलिए इसी के साथ जान लेते हैं तुला राशि के जो भी जातक या जातिकाएं हैं उनका 2020 कैसा रहने वाला है देखिए यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है तुला राशि वालों के लिए भाई राशि स्वामी की बात करते हैं तो राशि स्वामी मकर में भ्रमण कर रहे हैं प्रारंभ में अब मकर में भ्रमण करने से क्या होगा खर्च और बचत के बीच थोड़ा सा आपके उतार चढ़ाव रहेगा कभी आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे फिर आपकी आमदनी में दिक्कत आएगी मगर आमदनी में स्रोत के साधन आपके बने रहेंगे इतना आपके पास पर्याप्त रहेगा जो आपको जरूरत है वो आता रहेगा मेहनत आप करते रहिए मातृदेवो हुआ पितृदेवो आचार्य और अतिथि माता और पिता की सेवा आवश्यक कीजिए उनको भेंट दीजिए शुक्र का बलवान बनाना बहुत जरूरी है शुक्र बलवान कैसे होगा भाई राशि के स्वामी बलवान कैसे हों माता को शॉल भेंट दे दो पिता हैं उनको कुछ गर्म वस्त्र दे दो दे दो मकर संक्रांति देखो पूरा वर्ष ट्वेंटी ट्वेंटी आपका आमदनी की बात की आचार्य जी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे को संजो के नहीं रख सकते या कहें उनसे पैसे बहुत जल्दी खर्च हो, जा, हो जाते हैं तो कुछ आप ऐसा उपाय बताइए जिनसे उनके पास पैसे बचे और 2020 उनका पैसों से भरा हुआ जीवन मतलब साल गुजरे बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने पैसों के लिए पैसों की तो हर एक को इच्छा होती है देखिए पैसों के लिए एक बहुत सुंदर बात को उपाय बताते हैं संपूर्ण श्री यंत्र मिल जाए आपको यह बहुत काम का है मकर संक्रांति के दिन संपूर्ण श्री श्रीयंत्र अभिमंत्रित कराके अपने घर की उत्तर पूर्व की दिशा में स्थापित कर दो अगर हो सके शालिग्राम शंख तुलसी रखो घर में तो यहां पे त्रिवेणी हो गई शंख जब रख लोगे सालिग्राम जब रख लोगे और तुलसी जब रखोगे तो समझ लीजिए आपके ऊपर ट्वेंटी ट्वेंटी बहुत अच्छा चलेगा पर बहुत सारे लोग श्रीयंत्र रखना नहीं जानते या कहें कि कहां रखना है किस स्थान पे रखना है वो भी बता दीजिए हमने बताया नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का मध्य नॉर्थ ईस्ट ईसान का इस, स्थान है हमारे यहां वहां पर स्थापित करना होगा या तो उसे अभिमंत्रित कराइए पुरोहित या पुजारी जी को बुलाकर उसको मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करा के स्थापित कीजिए श्रीयंत्र का स्फटिक का भी आता है पीतल का भी आता है बहुत सारे मेटल में भी आता है तस्वीर में भी आता है जो भी आपको सरलता से मिल जाए उसको घर में उत्तर पूर्व में स्थापित कर सकते हैं मकर संक्रांति इसके लिए अच्छा देना है वसंत पंचमी बहुत अच्छा देना है सरस्वती मैया के साथ रखना बहुत अच्छा देना क्योंकि उस दिन सरस्वती मैया की पूजा भी की जाती है जी बिल्कुल और श्रीयंत्र का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी प्रदान करता है चलिए इसी के साथ आचार्य जी से ये भी जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि का 2020 कैसा रहने वाला है? राशि की बात करें मंगल सेनापति है और सेनापति जब अपने घर में बैठा हो तो परिवार में खुशियों का माहौल कर देता है और छात्रों के लिए अगर संघर्ष है तो वो सफलता में बदलता है आर्थिक रूप से यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है साल में एक दो चीज़ें तो आपके लिए अच्छी होने वाली हैं मकान के लिए सोचा वो पूरा हो सकता है वाहन के लिए सोचा वो पूरा हो सकता है हायर एजुकेशन के बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो पूरा हो सकता है सेनापति है ना सेनापति रूल करेगा करें क्या अगर आपकी कुंडली में कोई मांगलिक दोष हो या किसी प्रकार के दोष से आप जूझ रहे हो या मंगल आपको बार बार पीड़ित कर रहा हो परेशान कर रहा हो बड़ा सरल उपाय आप नौ मंगलवार तक चोला प्रदान कर दें और बजरंग बाण अवश्य पढ़े निश्चय प्रेम प्रतीत ते बिन करें सम्मान ते के कार सकल सुब सिद्ध करें हनुमान हनुमान जी की आराधना करना ना बोले जी बिल्कुल ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही पर आप मकान को लेकर चर्चा कर रहे थे पर आचार्य जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये देखा गया उनकी पुस्तैनी जमीन कहे या घर है वो बिकता नहीं है प्रॉपर्टी फंसी रहती है तो उन लोगों को क्या आप उपाय बताना चाहिए सही सवाल और बड़ी सही समय पर पूछा आपने देखिए जब मंगल यंत्र की बात होती है तो वो यही एक दिन है क्योंकि मंगल इस वर्ष आपकी कुंडली में या गोचर की स्थिति में देखें तो प्रारंभ में ही स्वयघर ही अब मंगलवार का दिन हो बारह बजे हो मंगल यंत्र या मारुति यंत्र की स्थापना कर दो जो संपत्ति आप बेचना चाहते हैं जो कहीं अटक गई है जो किसी कारणवश बिक नहीं पा रही है या जिसका उतना मूल्य मिल नहीं रहा तो उसके लिए मंगल यंत्र बारह बजे उत्तर की दिशा में स्थापित कर दो कच्चा दूध धूप दिखाओ उस उसपे कच्चा दूध उस पर चढ़ाओ धूप दिखाओ लाल पुष्प चढ़ा दो उसके बाद कहते हैं चालीस दिनों तक अवश्य ये योग बनेगा संपत्ति बिक भी जाएगी और नई संपत्ति आपके पास आ भी जाएगी चलिए तो इसी के साथ आचार्य से धनुराशि के बारे में भी जान लेते हैं कि दो हजार बीस धनुराशि वालों के लिए कैसा रहने वाले भाई धनुराशि की बात करते हैं यहां पर एक बात बहुत अच्छी है राशि स्वामी भी कर सकता है खुशी का माहौल देगा सभी सदस्यों में तो कुल मिलाकर देखें घर में कोई नया मेहमान आने का भी योग बना सकता है यानी कि विवाह आदि के काम बृहस्पति देव क्या क्या काम करा सकते हैं मांगलिक कार्य कराएंगे ना तो शादी हो सकती है घर में कोई बच्चे का आगमन हो सकता है व्यापार बढ़ सकता है ख्याति बढ़ सकती है विदेश जा सकते हैं तो ये कुल मिलाकर आपको बृहस्पति अच्छा फल दे रहा है करें क्या गुरुवार के दिन सात गुरुवार तक सवा मीटर पीला कपड़ा ढाई सौ ग्राम दाल चना और ढाई सौ ग्राम साबुत हल्दी बारह केले सहित पुजारी जी को भेंट दे दो राशि बलवान होगी साल बहुत अच्छा परिवार में खुशहाली आए पर ग्रह कलेश भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है तो उनके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे देखिये ग्रह कलेश से बचना हो तो सबसे पहले पांच हमारे सूत्र याद रखें पहली चीज घर के अंदर बर्तन झूठे ना रखें ट्वेंटी ट्वेंटी में मान लें इस बात को दूसरी चीज घर के अंदर बुहारी जो होती है झाड़ू होती है उस पर पैर ना मारे हैं और तीसरी चीज बहुत बड़ी है घर में अपशब्दों का उच्चारण का ना करें और घर में बहुत ज़्यादा अनावश्यक चिल्लाएं नहीं घर की छत सफाई रखें नॉर्थ ईस्ट को पवित्र रखें और बुजुर्गों की और कन्याओं और माताओं बहनों की करें रेस्पेक्ट तो आपके घर में लक्ष्मी का वाहन होगा कर्जों से आपको बहुत जल्दी

आपको मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी होगी जीवन साथी को समय भी देने का प्रयास करें पति पत्नी एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करें तो इससे आपकी जो घर की प्रॉस्पेरिटी है ना और पीस है वो बनी रहेगी पीस प्रॉस्पेरिटी के लिए तो सबसे अच्छा है आपस में एक दूसरे की काउंसलिंग करें क्रोध कम करें एक दूसरे को समझाने का प्रयास करें ट्वेंटी ट्वेंटी आप बहुत जल्दी जीत जाएंगे उपाय हम आपको बताए थे शनिदेव के लिए क्या करें आप कम से कम पाँच शनिवार तक तो अवश्य करें एक नारियल सवा सौ ग्राम काले तिल काले सरसों का तेल शुक्रवार को खरीद लें किसी और दिन खरीद लें खरीद लें और शनिवार को दान दे दें दान देते समय क्या बोलना है हरि ओम हैं हरी बस। ये कर दीजिए देखिए शनि की आप पर कृपा ही होगी शनि न्याय के देवता हैं आप पर भरपूर कृपा बरसाएंगे फिर जी बिल्कुल आप कर्ज को लेकर चर्चा कर रहे थे तो आपसे जानना चाहेंगे बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है उनको तो उनको आप क्या उपाय बताना चाहेंगे भाई ट्वेंटी ट्वेंटी है तो इसमें तो बहुत सरल उपाय है और बहुत आसान उपाय है देव पंचग्रह योग की युति में बने हुए हैं यहाँ पर आप करें क्या कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं तो पहला जैसे हमने पांच सूत्र तो आपको बताए थे नॉर्थ ईस्ट पवित्र रखना घर के झूठे बर्तन नहीं रात को रखना एक काम ऊंच आवाज़ में नहीं बोलना उपाय क्या करें आप अपने घर के ईशान में स्फटिक के छोटे से शिवलिंग या पारद के शिवलिंग रखें उस पर जल की बूंद गिरती रहनी चाहिए कर्जों से मुक्ति मिलेगी नमामि शमीशान निर्वाण रूपम ये है शिव का वो मूल मंत्र इसको पढ़ लें इसका एक माला किया करो स्त्रोत्र किया करो शिव का तो इससे आपको कर्जों से मिलेगी मुक्ति जी तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि कुंभ राशि का दो कैसा रहने वाला है भाई साल की शुरुआत तो आपके पास बेहतर है क्योंकि बाद में फिर आपके पास थोड़ी सी मेहनत आपके पास बढ़ने वाली है थोड़ी सी चुनौतियाँ आपको मिलती नजर आएंगी थोड़ा सा आपके पास एफर्ट्स आपको ज़्यादा करने होंगे सेहत के प्रति आपको थोड़ा ध्यान देना होगा आमदनी आपकी अच्छी होती नजर आ रही है कुल मिलाकर देखें तो आप एक और नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं प्रमोशंस के रास्ते निकलने वाले एडमिशन आपके पास अच्छे हो सकते हैं कहीं आपका कहीं लोन फंस गया था तो वो भी आपके पास क्लियर हो सकता है उपाय क्या करें आप उपाय आपको करना है शनिवार के दिन बड़ा सरल उपाय है ये आपके पास शनिवार के दिन एक काली छतरी ले लीजिए उसमें कपड़ा भी आ गया प्लास्टिक भी आ गई लोहा भी आ गया काली छतरी और काले कोयले और कंबल ये दान दे दो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के साथ दान दे दो एक बार दान दे दो पूरा वर्ष आपका ट्वेंटी ट्वेंटी बहुत अच्छा निकलेगा जी तो आपसे सबसे पहले ये भी जानना चाहेंगे राशि आखिरी मीन बची हुई है पर उससे पहले ये जान लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर कैसे सतर्क रहें क्योंकि यदि स्वास्थ्य सही रहता है तो कहते हैं दर्शकों जीवन में सब कुछ सही चलता है तो स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कुछ उपाय बताना चाहेंगे देखिए बिल्कुल स्पष्ट है ये बात प्रथम सुख निरोगी काया जी निरोगी काया अगर आपकी है तो आप सबसे बड़े सुखी इंसान है इस धरती पर और काया ही रोगी है तो फिर आपके धन संपत्ति कुछ भी दे दो सब बेकार है पांच ग्रह की युति से वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसमें क्या होगा जो होगा एस में और रोग होगा तो वो बहुत ज्यादा होगा कम होगा तो वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा तो करें क्या ऐसा दो बातों का ध्यान रखना होगा पहली बात तो बहुत ज्यादा खाना नहीं है और बहुत ज्यादा कम नहीं खाना डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर पहला सवाल यही पूछेगा क्या खाया था विरोध आहार से बचना होगा बस विरोध आहार हमारे आयुर्वेद में बहुत ज्यादा कहे गए हैं खट्टे के साथ दूध नहीं लेना अरबी के साथ ये नहीं लेना कुछ चीज़ें ऐसी हैं दूध के साथ नहीं लेना उड़द की दाल खाओ तो दही नहीं लेना तो ये चीज़ें कुछ बहुत सारी बताई गई हैं विरोध आहार से अगर आप बच गए तो समझ लीजिए आपका ये ट्वेंटी ट्वेंटी बिल्कुल स्वस्थ गिरेगा जी बिल्कुल आचार्य जी तो आखिरी राशि यानी कि मीन राशि भी बची हुई है तो वो भी आपसे जान लेते हैं कि जो भी जातक या जातिकाएं मीन राशि के हैं उनका 2020 कैसा रहने वाला है ये मीन राशि की बात करते हैं राशि स्वामी गुरु अब स्वयंघरी हैं कार्यों में सफलता तो अवश्य दिलाएंगे जब गुरु आएंगे तो कार्यों में आपको सफलता दिलाएंगे और यहीं तो धन प्राप्ति के योग भी दिलाएंगे क्योंकि गुरु आपको निराश नहीं करेंगे अच्छा नई उपलब्धियां आपके साथ जुड़ सकती हैं कुछ ना कुछ नए एफर्ट्स आप करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और कहीं ना कहीं आप कामयाब भी होते नजर आएंगे इसमें बच्चों के लिए विशेष रूप से एडमिशन में हो सकते हैं कामयाब अगर आपकी जॉब नहीं लग रही तो जॉब लग सकती है प्रमोशन हो सकते हैं विवाह हो सकते हैं परिवार की कुल मिलाकर समस्याएं अगर हैं जीवन भर की तो वो कहीं से हद तक यहाँ पर दूर होती नजर आ रही हैं उपाय क्या करें आप पुजारी जी को सोटी खड़ाऊं ले जाकर भेंट दे दो, दो पीली धोती के साथ गुरु की कृपा अगर आप पे हो जाए तो आपकी जिंदगी सफल और 2020 में तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है किसी की कृपा दृष्टि आप पर चाहिए और कृपा दृष्टि के लिए आपने करना होगा छोटा सा दान वो हमने आपको सभी राशियों के हिसाब से बताया है जी बिल्कुल आचार जी बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए और बारह राशियों के बारे में चर्चा की बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको भी नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं तो दर्शकों आपको भी नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला नया साल यानी कि 2020 आपके लिए काफी ज्यादा कुशल मंगल हो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही बने रहिए है आर नाइन टीवी के साथ